नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों की ओर। कांला थाना क्षेत्र के गांव डुढ़ार में किसान के घर बीती रात चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब किसान के परिवार के सभी लोग सोए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में घुसकर अलमारी के लॉक तोड़कर 35,000 की नकदी सहित लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवर चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के कहनला थाना क्षेत्र के गांव डुढ़ार का है, जहां पर इसम नाम के किसान के घर बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब परिवार के सभी लोग सोए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में घुसकर अलमारी के लॉक तोड़कर 35,000 रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। किसान के घर में हुई चोरी की वारदात का पता परिवार के लोगों को उस वक्त लगा जब अलमारी के लॉक टूटे हुए देखे और घर का सामान बिखरा हुआ पाया गया। पीड़ित किसान ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कांधला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। चोरी हुई जी। अच्छा। कुछ चांदी की थी, कुछ सोने की थी। अच्छा। 2-2.5 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा, अजी खेती बाड़ी का काम करे, मतलब नुकसान है रे। क्या इस समय का नुकसान हो गया? इसके जो जेवर गए और जी रुपए गए और आऊंगा मास्टर जी का पार्ट आएगा। जंगल है, घेर की उसने चटका मकान चटका घेर में बटके यहाँ, और फिर पेड़ साला की बैरली कुंडी लग रही थी, भीतर की लग रही थी। अच्छा। एक मकान का ताला थोड़ा भीतर का सामान का ले दिया हमारी में ताला थोड़ा का। कितने नुकसान होगा लगभग? करीब करीब 2.5 लाख के करीब। अच्छा, गांव में और कितनी जगह चोरी हुई? गांव में 3 जगह बढ़े जी, वहाँ जाग गए बस। चोरी तो यही हुई एक ही जगह। अच्छा, फिर कैसे वहाँ जाकर होगी भाजी की? अच्छा, पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस आई थी यहाँ जी। क्या कहेगी सुबह? क्या आश्वासन दिया? आज देखेगी जी, यहाँ का मायना करेगी, काना चढ़े काना बढ़े, नुकसान देख गए कितना आया कर आया।